ओके गाइस, लेट्स सी कि आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स क्या है अभी आपके लिए. ओके, द स्टार, द एस ऑफ वांड्स. प्लीज़ बैकग्राउंड अगर कोई साउंड आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर इट, बिकॉज आई एम राइट नाउ आई एम इन होम. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इमोशनल और बहुत विश कर रहा है कि किसी भी तरीके से एक नई शुरुआत हो. मे बी दिस पर्सन इज़ मूविंग वेरी स्लो. ये खुद अपने मूवमेंट को लेके भी ये बहुत परेशान है. बहुत टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है ये. बहुत पेन से गुजर रहे हैं ये पर्सन. ओके, दो आ गए हैं. टू ऑफ सॉर्ड कंफ्यूज है. उसे किस्मत पे भी क्या लिखा है ये उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे जाके वो क्या करे. क्लियरिटी चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं. ओके, या दिस पर्सन वॉन्ट टू गिव यू 10 ऑफ कप्स, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं. नाइन ऑफ सॉर्ड्स अगेन, या बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड है, रात को सो नहीं पाते. ओके, तो लेट्स सी कि अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है. लेट्स सी उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है. ठीक है, गिल्ट या पास्ट चीज़ों को लेके उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है. उनके अंदर गिल्ट बिल्डअप है, स्ट्रेस में है, इसलिए नाइन ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है. ट्रस्ट, या ये ट्रस्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके ऊपर स्ट्रेस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, एक्सपीरियंस इन या पास्ट की चीज़ों को लेके भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में की है उससे वो बहुत कुछ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं. फूल की एनर्जी, या दिस पर्सन वॉन्ट टू टेक रिस्क. ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ करना चाहते हैं. मे बी पास्ट की चीज़ों को लेके उन्होंने जो कुछ भी किया था वो गलत डिसीजन उसने लिया था, तो इस बार वो रिग्रेट कर रहे हैं. एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू विजन, एक न्यू तरीके से देखना चाहते हैं चीज़ों को. या लेटिंग गो, ये पर्सन सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं अभी. जो कुछ भी हो रहा है, गोइंग विद द फ्लो. ठीक है, चलो देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है अभी. लेट्स सी उनकी एनर्जी क्या है अभी आपके लिए. ठीक है, केयरिंग कनेक्शन, या इस कनेक्शन में वो केयर कराना चाहते हैं, पार्टनरशिप लाना चाहते हैं. अभी वो सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं. या सेवन चक्रा, द क्राउन चक्रा, इनका मैनिफेस्ट ये बहुत कर रहे हैं आपसे. डिवाइन के साथ ये लाइक कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं. अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की. ठीक है, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, या ये पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. और ये प्रे भी कर रहे हैं कि उनको पॉसिबिलिटीज़ मिले, कि इस कनेक्शन में वो कुछ एक्शन ले. या डिसीट, या ये छुपा रहे हैं चीज़ों को. मे बी आपको लग नहीं रहा, बट ये छुपा रहे हैं अपनी इमोशंस को, अपने सब कुछ को. हीलर ऑफ द एजेस, या बहुत कुछ हील हो रहे हैं. पास्ट के जो भी ट्रॉमा है उनसे वो हील हो रहे हैं और हील आना चाहते हैं. एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ के नीचे आ गए एन्जाइटी. ये बहुत ज़्यादा एन्जाइटी में है कि कैसे क्या किया जा सके. एक पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने के चक्कर में बहुत एन्जाइटी है इस पर्सन का. ठीक है, और क्या है, लेट्स सी कि ये पर्सन मैसेज क्या कहना चाहते हैं आपको. ठीक है, इनकी मैसेज क्या है. लेट्स सी देयर मैसेज फॉर यू. ओके, यहाँ पे दो आए हैं, पहले दो ले लेते हैं. सॉरी आई ब्लॉक्ड यू, या मे बी इस चीज़ से वो उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है. आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, आई नीड टाइम, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वो ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, डू यू स्टिल लव मी, कन्फ्यूज़ है, एन्जाइटी में है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ज़्यादा परेशान है, सारी रात को सो भी नहीं पाते. लेट्स सी, यू आर माई हैप्पीनेस, या आप उनकी खुशियाँ हैं. लेट्स सी और क्या आता है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या मे बी इन्होंने कैरियर को चूज़ किया था आपके ऊपर, कैरियर फाइनेंस, या फिर इस पर्सन के दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं शायद. आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू बिकॉज यू आर माई हैप्पीनेस. सी, रिलेटेड आ गए हैं. मैंने आपके सामने मैंने ओपन किया है. आई एम स्टक, या जैसे मैंने बोला. तो गाइस, आज के लिए इतना ही. ठीक है, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में.
बाय बाय।